क्या मास्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से आपको हेयर फॉल होता है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं, मैम आपको नहीं लगता हेयर फॉल तो बहुत हो रहा है, मेरे तो बाल झड़ते जा रहे हैं। कितना सही कितना गलत, क्या इसमें सच्चाई है, और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कैसे उसे ठीक करें, स्पेशली रिलेटेड टू मास्टरबेशन, आज डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। चैनल पे नए हैं और बाल झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिटेल में इस वीडियो को देखेंगे, मुझे पता है आप देखने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि या मास्टरबेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और हेयर फॉल की वजह से बहुत बार आपके अपेरेंस भी ख़राब होते हैं, क्योंकि हेयर्स आपका एक ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, ऐसा अपेरेंस का पार्ट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा रेज करता है। बहुत सारी मूवीज़ हैं जहाँ पे आप विद हेयर्स और विदाउट हेयर पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा, आयुष्मान खुराना तक ने मूवी बना रखी है। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट योर हेयर इज़ वेरी 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 प्रीशियस। बट अब लोगों के साथ क्या होता है कि वो जब एक्सेसिवली मास्टरबेट करते हैं तो पहला डाउट जो उनके दिमाग में जाता है वो है, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, क्या इसका कोई रिलेशन है? डेफिनेटली साइंटिफिक रिसर्चेस उसको नहीं मानती हैं, बट देयर आर सर्टन थ्योरीज हु बिलीव कि जैसे ही आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, आपके हर इजैकुलेशन के साथ बॉडी में से प्रोटीन निकलता है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके हेयर फॉल का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। सेकेंड थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जितने भी आप, जब भी आप मास्टरबेट करते हैं तब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके इंक्रीज होने से बॉडी में जो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ डीएचटी की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और जैसे ही वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी आपका हेयर फॉल होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसलिए मास्टरबेशन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा ज़्यादा हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप क्या करें? अब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल शैम्पूस का यूज़ करेंगे या फिर घरेलू नुस्खे बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि आपकी इंटरनल वीकनेस मास्टरबेशन की वजह से आ गई है, उसको क्लियर कर पाई है। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें, जुड़े रहें, और अगर आपको और भी बहुत सारे डाउट्स हैं अपने मास्टरबेशन या एक्सेसिव मास्टरबेशन से रिलेटेड, उसके लिए आपको इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा ताकि सही तरीके से हम उसको सॉल्व कर पाएं। सो स्टे कनेक्टेड, शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर योर फ्रेंड्स, और हमारे दोनों नए चैनल्स लवोलॉजी सीखो एंड बॉयज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।